नमस्ते दोस्तों, 2021 शुरू हो चुका है और आप में से कई सारे लोग हमारे वीडियोस का, हमारे टिप्स का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। किसी वजह से हम वीडियो रेगुलरली नहीं डाल पा रहे थे, लेकिन अभी हमारा वो जो लॉजिस्टिक इश्यूज है और वो सब सॉल्व हो रहे हैं, तो नेक्स्ट मंथ से तो रेगुलर वीडियोज़ आ ही जाएंगे। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा एक बात जो 2021 में आप लोगों ने फॉलो करनी चाहिए। तो कैलेंडर ईयर का हमने लास्ट ईयर भी देखा था, मैंने सबको 2020 लिखने से मैक्सिमम लोगों को मना किया था। रीज़न ये था कि हमने चार का इफेक्ट देखा था, पूरा साल ही ख़राब रहा है। और शायद आपने किसी वीडियो में इतना निगेटिव प्रेडिक्शंस नहीं सुने होंगे और कई सारे कमेंट्स भी आए थे जब मैंने निगेटिव प्रेडिक्शंस किए थे। तो लेकिन 2020 साल ही वैसा था, इसलिए मैंने मना किया था। वैसे ही 2021 में हम कैलेंडर ईयर कैसे लिखें, हम 21 लिखें या 2021 पूरा लिखें, इस विषय में मैं आज आपको बताना चाहूँगा। तो शुरू करते हैं मूलांक एक से। अगर आपका मूलांक एक है तो आपने पूरा 2021 लिखना चाहिए। जब भी आप कोई डेट लिखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप लिख रहे हैं 10 फरवरी 2021, तो 2021 को पूरा लिखें। अगर आपका मूलांक दो है तो आप सिर्फ 21 लिखें, तब आप 2021 ना लिखें। मूलांक दो कैसे निकालते हैं, मूलांक एक कैसे निकालते हैं, ये सब आपने हमारे पुराने वीडियोज़ में देखा ही है। अगर आपका मूलांक तीन है, यानी कोई व्यक्ति अगर 3 12 21 30 को बॉर्न है, तो उन व्यक्तियों ने सिर्फ 21 लिखना चाहिए। उन्होंने भी 2021 ना लिखे, सिर्फ 21 लिखे, ताकि 3 का पावर उन्हें मिलता रहे और ये साल उनके लिए थोड़ा बेटर उनके फेवर में आ जाए। अगर आपका मूलांक 4 है तो आपने 2021 लिखना है, आपने पूरा 2021 2021 पूरा लिखना है आपके डेट में, जहाँ कहीं भी आप डेट डालेंगे। अगर आपका मूलांक 5 है तब भी आपको 2021 पूरा लिखना है। मूलांक 5 है ना, जिनकी डेट ऑफ बर्थ 5 है, 14 है, 23 है, किसी भी महीने की, उन्हें पूरा 2021 लिखना है। अगर आपका मूलांक 6 है, यानी 6 15 24 बॉर्न है अगर आप, तब भी आपको 2021 पूरा लिखना है। 2+0+2+1 आप 21 भी लिख सकते हैं। मूलांक 6 एक ऐसा नंबर है जिनको ये साल आप 2021 भी लिखे तो भी चलेगा, सिर्फ 21 लिखे तो भी चलेगा। अगर आपका मूलांक 7 है, 7 16 25 बॉर्न हो अगर आप, तो आप 2021 लिखिए, सिर्फ 21 लिखने की जगह आप 2021 लिखिए। अगर आपका मूलांक 8 है तब भी आपको 2021 पूरा लिखना है। मूलांक 8 है ना, 8 17 26 जनवरी हो, फरवरी हो, कोई भी मंथ में बॉर्न हो, जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ 8 17 26 है किसी भी महीने की, उनको भी 2021 पूरा लिखना है। अगर आपका मूलांक 9 है, यानी जिनकी डेट ऑफ बर्थ किसी भी महीने की 9 18 27 है, तो उन व्यक्तियों ने सिर्फ 21 लिखना है, 2021 ना लिखते हुए सिर्फ 21 लिखना है। तो तारीख प्लस मंथ और जब ईयर डालेंगे तो 21 लिखना है। ये एक छोटा सा टिप है जो आप लोग फॉलो कर सकते हैं। अभी हमारा मूलांक वालों के लिए, हर मूलांक वालों के लिए साल कैसा रहेगा, वैसे तो साल शुरू हो चुका है, लेकिन मैंने जैसे मेरे कुछ वीडियो में कहा था कि फरवरी के बाद इस साल के ज़्यादा असर फरवरी के बाद रहेंगे। वैसे भी आपने देखा ये साल बहुत सारी चीज़ें पटरी पे आ रही है, जैसा 2021-2020 था वैसा तो 2021 नहीं है, और काफ़ी सारी चीज़ें पटरी पे आने लग गई है। तो हम जल्द ही वो वीडियो लेके आएंगे जिसमें कौन से मूलांक वाले के लिए इस साल उन्होंने क्या करना चाहिए, या कोई स्पेशल टिप है उनके लिए, और क्या ट्राई करना चाहिए, क्या संभल के रहना चाहिए, वो सारी चीज़ें हम बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं हमेशा मेरे ये वीडियो अवॉइड करता हूँ कि मूलांक के लिए ये साल कैसा जाएगा। उसका रीज़न ये है कि आपका एज नंबर मुझे नहीं पता, आप अभी किस पर्सनल ईयर से जा रहे हैं वो नहीं पता, आपका भाग्यांक नहीं पता, तो ऐसे टाइम पे गलतियाँ हो सकती है, प्रेडिक्शन गलत हो सकते हैं। इसलिए मैं सभी को एक ही बॉक्स में डाल के प्रेडिक्शन देने की कोशिश नहीं करता हूँ, लेकिन बहुत लोगों की रिक्वेस्ट आई है कि हमें बताइए ये साल, मेल्स भी आए हैं काफ़ी, तो इसलिए मैं एक टेंटेटिव आइडिया देना चाहूँगा आप लोगों को। वो शायद हम अगले वीडियो में लेके आ जाएंगे कि आपके मूलांक के लिए ये साल कैसा रहेगा, आपने क्या करना चाहिए, क्या अवॉइड करना चाहिए। तो देखते रहिए हमारा चैनल ऑस्पिशियस न्यूमरोलॉजी। तब तक के लिए धन्यवाद।